Assalamualaikum, RNN News के साथ मैं हूँ सानिया शरीफ। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। जाम अब्दुल करीम की वतन वापसी से पहले ही नाजिम चौकियों के वर्सा ने खून मुआफ कर दिया। रुकन कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम की वतन वापसी से पहले ही नाजिम चौकियों के वर्सा ने खून मुआफ कर दिया। नाजिम चौकियों के अहले खाना ने रुकन कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम समेत तमाम मुलजिमों को माफ कर दिया। नाजिम चौकियों की बेवा शीरी चौकियों की वीडियो मंजर आम पर आ गई। कहा वो बहुत मजबूर हैं, उनके घर वालों ने भी अभी उनका साथ छोड़ दिया। अपने बच्चों की खातिर उन्होंने मुजिमान को छोड़ दिया। मैंने फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ा है जिन्होंने मेरा साथ दिया, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। इस वीडियो के जरिए सबको बताना चाहती हूँ कि मैं मजीद नहीं लड़ सकती, मैं वफादार औरत हूँ, केस लड़ना चाहती थी लेकिन मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया। ओमान में कान के धंसने से 7 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। ओमान में कान के धंसने से 7 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक और 4 लापता हो गए। पाकिस्तानी सिफारतखाना ओमान के मुताबिक हादसा दारुल हुकूमत मस्कत से 260 मील जनूब मगरब में अबरी के मकाम पर पेश आया। तलाश और बचाव ऑपरेशन में ओमानी हुकाम के साथ मुसलसल रबते में हैं। ओमान में पाकिस्तानी सफीर इमरान अली चौधरी ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में बताया कि वाकई पर हुकूमत ओमान से मुसलसल रबते में है। कान हादसे में 6 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक हुई। ताहाल जाँ बहक अफराद की शनाख्त का अमल जारी है। तमाम मैयतें ओमान नेशनल पुलिस की तहवील में हैं। ज़ाब्ते की कार्रवाई की तकमील पर तमाम मैयतों की वतन मुंतकली का अमल शुरू होगा। जाँ बहक पाकिस्तानियों के लवाहिकीन को हर मुमकिन तआवुन फराहम कर रहे हैं। MQM ने हिकमत और सियासी सूझबूझ का मुजाहरा किया है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्ला का कहना है कि MQM ने हिकमत और सियासी सूझबूझ का मुजाहरा किया है। राना सनाउल्ला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने किसी वजारत की नहीं बल्कि सिंध और कराची की अवाम की भलाई की बात की। असलम बोहतानी, जैन भुगती, अली नवाज शाह और 4 BAP के मेम्बरान शामिल थे तो वजीर आजम की हुकूमत कायम थी। ऐवान सदर में मुकीम सदर को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, सदर को अपनी आईनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए और एतमाद के वोट लेने का कहना चाहिए। राना सनाउल्ला ने कहा कि आज सुबह से शेख रशीद साहब नजर नहीं आ रहे। अब शेख रशीद साहब वजीर आजम को मशवरा दें कि एतमाद का वोट लें या इस्तीफा दें, कहीं उस्मान बुज़दार का इस्तीफा भी खत की तरह ही ना हो। उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की चौधरी साहब को कलर फोटोकॉपी मुहैया करनी चाहिए। तकब्बुर का बोध पाश पाश हो चुका है। दुल्हन का है काम शादी से इनकार की वजह बन गई। भारत में एन शादी के मौके पर दुल्हा के शादी से इनकार का एक और गैर मामूली वाकया पेश आया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई से ताल्लुक रखने वाले शख्स और उसकी फैमिली ने एन शादी के वक्त इनकार किया और उस इनकार की वजह दुल्हन के सोशल मीडिया अकाउंट से मर्द सार्फिन को भेजे गए गैर मुनासिब पैगाम थे। दुल्हन का कहना था कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट से गैर मुनासिब मैसेज उसने नहीं भेजे बल्कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया गया है जिसके बाद ये मैसेजेस भेजे गए। दुल्हन के मुताबिक वो काफी अरसे से सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थी। शादी से कुछ अरसा कबल उसके मर्द दोस्तों ने बताया कि उसके अकाउंट से कुछ गैर मुनासिब मैसेजेस वसूल हुए जिसके बाद इन मैसेजेस के स्क्रीनशॉट दुल्हन के हलका अहबाब में भेजे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की के सोशल मीडिया मैसेजेस के स्क्रीनशॉट शादी से कुछ देर कबल दुल्हा और उसके अहलखाना तक भी पहुंच गए जिसके बाद दुल्हा ने शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन का इस हवाले से कहना था कि इसका अकाउंट हैक कर लिया गया है जिसके बाद अकाउंट से मुख्तलिफ मैसेजेस भेजे गए और तस्वीर भी डाली गई जिसका इसे इल्म नहीं था। पुलिस ने वाकई की तहकीकात का आगाज कर दिया और पुलिस का कहना है कि मुलजिम खातून के दफ्तरी साथियों में से एक है जिसने खातून को शादी की पेशकश की थी लेकिन खातून ने इनकार कर दिया था। पाक वतन के नौजवान की मोहब्बत में फ्रांसीसी खातून शादी के लिए पाकिस्तान आ गईं। फ्रांस से ताल्लुक रखने वाली खातून लोसी जैमन को उनकी मोहब्बत पाकिस्तान खींच लाई। पाकिस्तानी नौजवान अली रजा की मोहब्बत में गिरफ्तार फ्रांसीसी खातून लोसी जैमन चंद रोज कबल वालदा के हमरा पाकिस्तान पहुंची थी जिसके बाद उनका निकाह पाक पतन की तहसील आरिफ वाला के रिहायशी अली रजा से हुआ। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक लोसी जैमन ने अली रजा से शादी से कबल इस्लाम कबूल किया। दोनों के निकाह की वीडियो भी सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश है जिसमे दोनों को कलमा पढ़ते देखा जा सकता है। सोशल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम कबूल करने के बाद लोसी जैमन का नाम सोया रखा गया है। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद कराची हैदराबाद ठट्टा सकर से बयक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तियाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। शुमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज के शोबे तालुकात आमा के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मकीन में फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR का बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज से फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए।
पीटीआई को विफाक के बाद पंजाब में भी बड़ा झटका। अलीम खान ग्रुप का परवेज इलाही को वोट देने से इनकार। विफाक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब हुकूमत में भी बड़ा झटका लगा और अलीम खान ग्रुप ने वजीर आजम इमरान खान के नामजद वजीर आला परवेज इलाही को वोट देने से इनकार कर दिया। अब्दुल अलीम खान ग्रुप के तर्जुमान मियां खालिद महमूद की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अलीम खान ग्रुप ने काफ लीग को वजीर आला का वोट देने से इनकार कर दिया है। तर्जुमान अलीम खान ग्रुप का कहना है कि इमरान खान जिन अलकाबाद से परवेज इलाही को बुलाते थे हम दोहरा नहीं सकते। मियां खालिद महमूद ने कहा कि पहले 4 साल एक बेईमान और निकम्मे गुजार को मुसल्लत रखा, परवेज इलाही को नामजद कर दिया जो नाकाबिले कबूल है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के तरीन और चीना ग्रुप ने भी पंजाब की बदलती सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिए हैं। याद रहे कि 2 रोज कबल वजीर आजम इमरान खान से मुस्लिम लीग काफ के आला सतह के वफ्द ने मुलाकात की थी जिसमें वजीर आजम ने परवेज इलाही को उस्मान बुज़दार की जगह वजीर आला बनाने की पेशकश की थी जिसे उन्होंने मंजूर करते हुए तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया था। रेहान खान का हाफिज हमदुल्ला को जरदा भेजने का वादा। वजीर आजम इमरान खान की सबका अहलिया रेहान खान ने तर्जुमान पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हाफिज हमदुल्ला को जरदा भेजने का वादा किया है। रेहान खान ने ट्विटर पर वजीर आजम को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उस्मान बुज़दार को आउट करने का मकसद कप्तान की कप्तानी बचाने की नाकाम कोशिश है। चौधरी परवेज इलाही भी पंजाब के वजीर आला नहीं बन सकेंगे। रेहान खान ने हाफिज हमदुल्ला को टैग किया और लिखा कि इमरान नियाजी ने कुर्सी बचाने के लिए लूट सेल मेला लगाया है। इमरान खान कौम सवाल करती है कि वजारत आला देकर जमीन खरीदना हलाल है। ट्वीट पर हाफिज हमदुल्ला की जानिब से एमओजी के जरिए ट्वीट का जवाब दिया गया। रेहान खान ने तर्जुमान पीडीएम का ट्वीट शेयर करते हुए लिखा कि मिठाई के बाद अब जरदा भेजूंगी। लाहौर में 86 ई चालान नादहंडा गाड़ी पकड़ी गई। लॉयर मॉल कचहरी चौक से 86 ई चालान नादहंडा गाड़ी पकड़ी गई है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मुहिम के दौरान नादहंडा गाड़ियों के ड्राइवर पर 41,400 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर का कहना है कि कार ड्राइवर ने 47 मरतबा सिग्नल 31 मरतबा हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी की है। खवातीन को बगैर महरम उम्रे की इजाज़त मिल गई। सऊदी हुकूमत ने 18 से 65 साल तक की खवातीन को मर्द सरपरस्तों के बगैर उम्रे की इजाज़त दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने 18 से 65 साल खवातीन को बगैर महरम उम्रा की इजाज़त में इस बात की शर्त रखी है कि ऐसी खवातीन को ग्रुप का हिस्सा रहना होगा। इस हवाले से सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से ऐलान किया गया कि ये फैसला वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पेश की जाने वाली समाजी असलाहत का एक हिस्सा है। ऐलान में कहा गया है कि ऐसी खवातीन को उम्रे की इजाज़त दी गई है जिन्होंने कोरोना के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त की एक डोज लगवाई है और वो किसी बीमारी में मुब्तला ना हो। ऐलान में मजीद कहा गया कि सऊदीया के वो शहरी जो गुज़िश्ता 5 सालों से हज नहीं कर सके हैं इस साल वो हज की रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। ख्याल रहे कि इससे कबल सऊदीया में खवातीन को मर्द सरपरस्तों के बगैर गाड़ी ड्राइव करने और बैरून मुल्क सफर करने की भी इजाज़त दी गई थी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की न्यूज़ स्टूडियो से। फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आरएनएन न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।